गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ मॉर्निंग की चाय, तो फटाफट से सभी लोग आ जाइए चाय पीने के लिए। और बस मेरी चाय उबल ही चुकी है और यहाँ मैं बना रही हूँ 3 कप चाय। तो मेरी चाय यहाँ पे पक गई अच्छे से और अब चलिए इसे छान के मैं पहले निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसमें बनने के बाद थोड़ा टाइम रहने से चाय का टेस्ट बिल्कुल ख़राब होने लगता है। तो इसीलिए मैंने इसे दूसरी कटोरी में छान के चाय पत्ती को अलग कर दिया है। और अब बारी है यहाँ पे चाय पीने की। तो यहाँ पे 2 ग्लास में मैंने ले लिया है, एक है मेरे हस्बैंड का और एक है मेरा। तो मेरी थोड़ी ज़्यादा लग रही थी, तो चलिए इसे थोड़ा सा मैंने कम करके ले लिया है। अभी और नींद लग रहा है, कितना सोएंगे। हम तो कितना बजे भी सोचे, 2 बजे रात में सोए या 4 बजे सुबह में सोए, मेरा जो टाइम है नींद अपने आप ही खुल जाता है। कितना भी रात में सोते देखते मेरा जो टाइम है, हम लेट सोते थे और जल्दी मेरा नींद खुल जाता, पता नहीं क्यों। कल हम लेट उठे थे, कल 8 बजे थे उठे, 8:30 6:30। तेज लग रहा है मौसम, अभी थोड़ा इसीलिए लग रहा है ना, जोर से चल रहा है पूरा, मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना। यही ना यही स्पीड गर्मी में लगता है कि चल ही नहीं रहा है। बाप रे बाप, कितना गर्मी पड़ा है इस बार। अच्छा है, थोड़ा बारिश वरिश देगा ना, तो यही 1 महीना। लेकिन अक्टूबर में तो बारिश नहीं दिखता है ना, भी खत्म हो गया था, काम खत्म। बस यही इधर दिन थोड़ा सा जो बारिश हो गया है, दिवाली के पानी होता है। दीपावली में कहाँ बारिश होता है, तो पुल नहीं दिखता है। वो तो ऐसे ही बिन बादल बरसात होता है, बरसात तो सीजन नहीं होता है ना बारिश का, छत्ता रहता है। ये तो इसके बाद ना बरसेगा, दुर्गा पूजा बाद तो बरस रहा है ना, चढ़ गया ना, तो बरस आ रहा है, तो नहीं बरसेगा तो काम खत्म। ठंडा नहीं आएगा, मेरा बस चलता था सालों भर पूरा ठंडा ही कर देते, तो ठंडे दिन ठीक होता, गर्मी महा। अगर मेरा अगर बस चलता तो हम 1 साल पूरा ठंडा ही कर देते, और कड़कड़ाती धूप रहता ठंडा में, बस आराम से रहते। लंदन में कैसा वेदर रहता है, कुछ फोन करके तो पूछना था, ठंडा रहता है इधर उधर, चेंज होता है भारत में सब जगह वेदर है, तो चेंज होगा ही, लंदन रहे चाहे पेरिस रहे, सब जगह वेदर चेंज। कश्मीर में कैसे ठंडा पड़ता है, तो कश्मीर का बात अलग है, कितना जगह है कि खाली तो ठंडा पड़ता है। हाँ होता है, पीजिए, ठंडा हो गया, पी गए। हिमाचल में क्या है, खाली ठंडा पड़ता है। हेलो, बाल तो लेकिन आपको बढ़िया से खुल गया है ना। और अब आ गई हूँ मैं नहा के, और हस्बैंड तो उठ ही गए, चाय वगैरह उन्होंने पी लिया है और वो अब बाहर जाने वाले हैं। तो जब तक वो बाहर जा रहे हैं तब तक मैं अपना सारा काम फिनिश करूँगी। और अभी तो मैं बाल बना रही हूँ,
गर्मी भी लग रही है यहाँ पे, मतलब रात में थोड़ी थोड़ी ठंडी लग रही है और दिन में गर्मी लग रही है। और आजकल लाइट इतनी ज़्यादा जा रही है कि क्या बताऊँ। और अभी भी मतलब लाइट गई हुई है, अभी भी लाइट है नहीं। आजकल ऐसे ही हो रहा है, मतलब पर डे 2 घंटे 3 घंटे ऐसे लाइट यहाँ पे जा रहा है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है लाइट चली जाती है तो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अगर दिन में लाइट जाती है तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि हर तरफ उजाला ही रहता है तो पता नहीं चलता है, बस गर्मी लगती है। और लेकिन नाइट में जाती है तो बिल्कुल भी बेकार लगता है, अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे बस मैं वही तैयार हो रही थी, तैयार क्या हो रही थी, बस पर डे की जो रूटीन है उसे ही कर रही थी मैं। और वीडियो आप लोग को कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को वॉच करने के बाद ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस करिएगा, इससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी और आप लोग जुड़े रहेंगे मेरे साथ। जितना हो सके वीडियो को फुल वॉच करने की कोशिश करिएगा। तो अभी हस्बैंड जा रहे हैं बाहर क्योंकि वो कुछ सब्जी वगैरह लाएंगे मॉर्निंग में, तो बस वही लाने के लिए वो निकल रहे थे। और मैं नहा के आ गई हूँ, अब जा रही हूँ मैं कपड़े डालने। कपड़े डालने के बाद अब बारी है क्लीनिंग करने की। तो सबसे पहले वैसे तो मैंने बहुत सारे काम कर लिए हैं, बस मेरा थोड़ा सा ये रह गया था पोछा लगाना, क्योंकि लाइट बार बार जा रही है तो जिस वजह से मुझे लग रहा था कि अगर मैं लेट हुई और लाइट चली गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी पानी की, तो इसलिए मैंने पहले नहा लिया है। वैसे घर इतना गंदा है भी नहीं, थोड़ा ही सा गंदा है, मतलब गंदा तो रहता ही नहीं है, मैं दोनों टाइम इसे क्लीन करती रहती हूँ, फिर भी जो भी थोड़ा सा रहता है उसे क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए फटाफट से पहले मैं इस घर को क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद आगे का बहुत सारा काम है जिसे अभी निपटाना है। और अब क्लीनिंग वगैरह करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने किचन में, क्योंकि खाना भी तैयार कर रहा है तो यहाँ पे मैं बस वही खाना तैयार कर रही थी, उसी में जुटी हुई थी, क्योंकि आज टाइम भी काफ़ी हो गया है और अभी तक मैंने भी कुछ खाया नहीं है, तो फटाफट से पहले खाना तैयार करती हूँ, उसके बाद और भी पूरे दिन काम ही रहता है क्या बताओ, मतलब पूरे दिन ऐसे ही लग जाता है, पता नहीं चलता टाइम का। और मॉर्निंग में कुछ ज़्यादा ही काम रहता है। तो यहाँ पे मैंने बैंगन फ्राई करने के लिए
रखा हुआ है तो उसे ही फ्राई करके मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए बैंगन और आलू, इसी की सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ अभी। तो मसाले भी मैंने तैयार करके रख दिए हैं और तैयार करते हैं सब्जी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सूट करके आप लोग को दिखा दिया है कि मेरी सब्जी तैयार हो चुकी है। मछली का नहीं खाना है बंद अभी, तो बुधवार से दसवीं से दसवीं है बुधवार को बैठल बड़े तो कोई नहीं कहते घर के काम धंधा करिए कुछ ये भगवान तो का करता सुबह से उठ के निकल गए अदितिया अगर वीडियो पसंद आई तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और जितना हो सके फुल वॉच करने की कोशिश करिएगा। इससे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और पहली बार विजिट किया अगर चैनल पे तो पहले वॉच कर लीजिएगा वीडियो को, उसके बाद ही चैनल सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को और प्रेस कर दीजिएगा। इससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और वीडियो के माध्यम से जुड़े रहेंगे हम लोग। और रिक्वेस्टेड वीडियो के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूरी कोशिश करूँगी सभी के कमेंट को पूरा करने की। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करके सपोर्ट करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, बाय।